हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज है करवा चौथ का दिन और सुबह के 10:30 बज रहे हैं। मुझे व्लॉग स्टार्ट करने में थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि घर के इतने सारे काम हो जा रहे थे, फिर मैं स्टार्ट नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा घर के काम निपटाती हूँ, उसके बाद व्लॉग स्टार्ट करेंगे। तो सुबह सुबह जल्दी उठ के 4, 4:30 बजे मैंने सरगी वगैरह तो ले ली थी, उस टाइम पे मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। तो अभी टाइम है हस्बैंड के ब्रेकफास्ट का, उनका फास्ट नहीं है तो मैं उनको फास्ट नहीं रखने देती हूँ। तो उनको मैगी और चाय बना के मैंने दे दी थी और वो निकल गए हैं ऑफिस के लिए क्योंकि आज उनकी छुट्टी नहीं है। मीनवाइल स्वास्थ्य को भी नहला के मैंने तैयार कर दिया था और यहाँ पर मशीन में कपड़े लगाए थे। आज एक्चुअली हस्बैंड मेरी काफ़ी हेल्प करके गए, उन्होंने क्लीनिंग वगैरह करने में हेल्प की और बर्तन वगैरह भी वही करके गए ताकि मुझे बहुत ज़्यादा एग्जर्शन ना हो और ज़्यादा वीकनेस ना हो। इस वजह से बाकी जो छोटे मोटे बचे हुए काम हैं वो मैं निपटाऊंगी। तो यहाँ पे मशीन में कपड़े लगाए थे, घर के सारे कपड़े और 2-3 बेडशीट वगैरह भी थी वो भी मैंने मशीन में लगा दी थी। तो कपड़े धुल चुके हैं और पीछे साइड मैं स्वास्ति को लेके आ गई हूँ स्ट्रॉलर में क्योंकि स्वास्ति कभी सोया नहीं था, नहा धो के तैयार कर लिया था, अभी उसको सोने में थोड़ा टाइम है। तो तब तक मैं उसे बालकनी में लेके आ गई हूँ। मीनवाइल मैंने कपड़े भी धूप में डाल दिए हैं सूखने के लिए। तो अभी करीबन 12:45 बज गए हैं, स्वास्तिक सो गया था, इस बीच मैंने नहा लिया और अब मैं बैठूंगी आराम से, मेहंदी लगाऊंगी। तो एक्चुअली लास्ट वीडियो में आपने देखा था मुझे बिल्कुल टाइम नहीं हो पाया था मेहंदी लगाने का। तो लेफ़्ट हैंड में मैंने करीबन रात को 11:30 बजे मेहंदी लगाई थी जब हस्बैंड आए थे उसके बाद, और राइट हैंड बच गया था तो राइट हैंड में मैंने अभी मेहंदी लगाई है। तो लेफ़्ट हैंड की मेहंदी आपको दिखा देती हूँ मैं, और राइट हैंड में मैंने जस्ट अभी बनाई है एकदम सिंपल सी और साथ में हस्बैंड का नाम मैंने उसमें लिख दिया है। और जैसे ही मैं मेहंदी लगा के फ्री हुई वैसे ही स्वास्तिक उठ गया तो मुझे ऐसे ही हाथों से उसे पकड़ना। गुड आफ्टरनून, 1:15 बज गया है और मैं मेहंदी दिखा देती हूँ आपको। सबसे पहले तो बहुत ही लाइट है क्योंकि बीच में ही स्वास्तिक के उठने की वजह से मैंने वॉश करना पड़ा और कुछ मेहंदी उसके कपड़ों में भी लग गई है तो इसीलिए मैंने वॉश कर दिया और इस तरह का है। लेकिन कोई बात नहीं, शगुन बन गया है, मतलब शगुन हो गया है, दोनों हाथों में मेहंदी लग गई है और मैंने पैरों में भी थोड़ी थोड़े से बिंदियां लगा दी हैं। तो ये वाली तो काफ़ी अच्छी लगी है, मैंने रात को लगाई थी, ये वाली थोड़ी सी लाइट हो गई लेकिन ये भी धीरे धीरे हो जाएगी डार्क क्योंकि मेहंदी का कलर एकदम से नहीं चढ़ता है, धीरे धीरे उसका रंग निखरता है। तो अभी मुझे स्वास्तिक के लिए लंच बनाना है, अभी वो मैंने उसके लिए राइम्स लगाई हुई है, वहाँ पे राइम्स भी देख रहे हैं, इधर उधर शैतानी भी कर रहा है। तो इसके लिए मुझे लंच बनाना है और उसके बाद पूजा की भी तैयारी करनी है, शाम को कथा वगैरह करनी है तो उसकी भी मुझे प्रिपरेशन करनी है। और रात को मुझे डिनर में क्या क्या बनाना है मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है, सब्जी जो जो रखी है उसी हिसाब से मैं प्लान करती हूँ। और हाँ, सबसे पहले आप सबको करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं, मैं विश करना ही भूल गई क्योंकि इतने सारे काम हो रहे थे और बातों बातों में ना बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा। तो आप सबको करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं और किस किस का व्रत था कमेंट करके जरूर बताना क्योंकि ये ब्लॉग जो है करवा चौथ के बाद ही आएगा। हमारे नोनों की तरफ से भी सबको हैप्पी करवा चौथ। ये करवा चौथ बहुत ज्यादा स्पेशल है, ये वाला भी और लास्ट ईयर वाला भी। लास्ट ईयर जो है आई वॉज प्रेगनेंट तो स्वास्तिक जो है उस टाइम पे आया नहीं था, लेकिन स्वास्तिक के साथ ये आज मेरा दूसरा करवा चौथ है तो वी आर सो एक्साइटेड और हैप्पी। लेकिन बहुत ज्यादा टफ भी हो रहा है क्योंकि इसके साथ में एनर्जी बहुत ज्यादा लग रही है। लास्ट ईयर तक तो ये था कि एक जगह बैठ जाओ आराम से काम करके, लेकिन अभी तो इसके साथ भागना है, दौड़ना है और घर के काम भी करने हैं, पूजा की तैयारी भी करनी है। तो इसके बाद यहाँ पे घर से वीडियो कॉल आया था तो यहाँ पे वीडियो कॉल पे बात हो रही है और स्वास्थ्य की एक्टिविटीज़ मैं दिखा रही हूँ किस तरीके से आजकल उसकी शैतानियाँ बढ़ गई हैं। तो अभी आज मुझे अपने लिए लंच तो नहीं बनाना है, स्वास्थ्य के लिए बनाना है। तो उसके लिए मैंने चॉपिंग वगैरह मतलब सब्ज़ी दोपहर में मैं उसके लिए दलिया बना देती हूँ नमकीन वाला या फिर खिचड़ी बना देती हूँ, साथ में सब्ज़ी वगैरह ऐड कर देती हूँ जो भी सब्ज़ी होती है घर पे जैसे लौकी गाजर कद्दू, कभी कभी मैं आलू मिला देती हूँ तो उस तरह से, और विद इन 10 मिनट उसकी खिचड़ी बन के तैयार हो जाएगी। तो नीचे बिल्कुल नहीं रुक रहा था इसीलिए मैंने उसको विंडो के पास खड़ा किया हुआ है, विंडो के पास वो खुश रहता है क्योंकि बाहर उसे देखने को मिलता है। तो अभी हम लोग दोपहर के टाइम पे आ गए हैं, खाना वाना सब हो गया है, स्वास्तिक को खाना खिला के किचन क्लीन कर दिया था, बर्तन वगैरह वॉश हो चुके थे। और मीनवाइल मैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी करूँगी तो ये कुशन कवर जो है मैंने एक दिन पहले वॉश किए थे, मुझे लगाने का टाइम नहीं मिल पाया था तो अभी मैं सारे कुशन कवर लगा दूंगी। और स्वास्तिक बिजी है अपने गेम के साथ में तो अभी उसको सोने में तो टाइम है, वो आराम से ही सोएगा, तब तक मैं छोटे मोटे काम निपटा लेती हूँ और जैसे ही वो सोएगा तो मैं पूजा की तैयारी करूँगी।
बज गए हैं, स्वास्तिक का खाना खिला के मैंने किचन क्लीन कर लिया है और अब मैं पूजा की तैयारी करती हूँ। मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं हो पाई हूँ, मुझे टाइम ही नहीं हो पा रहा है रेडी होने का। मैंने चूड़ियाँ भी चेंज नहीं की है, तो मैं जो ड्रेस पहनूंगी, वैसे मैंने साड़ी सोच रही थी, मैं साड़ी पहनूंगी, लेकिन मेरे पास एक लहंगा रखा हुआ है, काफ़ी पुराना है, 3-4 साल पहले का, तो वो पहनने का सोच रही हूँ, क्योंकि इसी बहाने फिर वो काम में आ जाएगा ना, अदरवाइज हम लहंगा कब कहाँ पहनते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा आज इसको पहना जाए। 3-4 साल पहले मैंने पहना होगा उसको करवा चौथ पे एक बार, तब से मैंने पहना ही नहीं था, वो ऐसे का ऐसे ही रखा हुआ है, तो इसलिए आज का दिन सबसे अच्छा है उसको पहनने के लिए, मैं वही पहनने वाली हूँ। और फिलहाल इसको देखो, और ये भी सोने नहीं वाला है, तो इसको भी मुझे अपने साथ बैठा के बिजी रखना पड़ेगा। बेटा प्याज नहीं खाते, फिर मुझे खाने पीने की भी तैयारी करनी है, तो अभी तो इतनी जल्दी तो ये सोने वाला भी नहीं है, तो इसको सोते सोते 4-4:30 बज जाएंगे, उसी टाइम पे मैं कथा भी पढ़ लूँगी, तो सो जाएगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो अब मैं थोड़ा सा रेडी होती हूँ, इयररिंग मैं चेंज कर लेती हूँ, ड्रेस के एकदम मैच है ये ड्रेस, एकदम मैच करती है ये वाली इयररिंग, और मुझे बहुत पसंद भी है। लेकिन मेरे साथ साथ में मिस्टर स्वास्तिक जो हैं वो भी रेडी हो रहे हैं, इनको भी पूजा करनी है ना मेरे साथ में, तो ये सारा सामान फैला के इधर से उधर सारी चीज़ें खा खा के टेस्ट कर रहा है। और रात के लिए मैं दिखा देती हूँ मैं क्या पहनने वाली हूँ आज का आउटफिट। वैसे आप लोगों ने वो पहले देखा है, मैंने एक बार पहले करवा चौथ में पहना था ये, तो मेरे पास ये लहंगा है तो मैं ये पहनने वाली हूँ, और बहुत ही प्यारा सा है ये, बॉटम इसका बहुत ज़्यादा हैवी है और थोड़ा सा ना हैवी है ये भारी। इसके साथ में ये है इसका ब्लाउज पर्पल कलर में, तो ये सेट हो गया। और ये है इसका दुपट्टा सिंपल है और लाइट वेटेड है, और इसके साथ में हमारी जो कुमाऊनी पिछौड़ा कहते हैं इसको, कुमाऊनी दुपट्टा, शादी के बाद हम लोग पहनते हैं, मतलब हर सुहागन पहनती है ये, बहुत ही अच्छा माना जाता है इसको, और हमारा रिचुअल से कोई भी पूजा होती है, व्रत होता है, तो इसको जरूर ओढ़ते हैं। मेरे पास ये लास्ट ईयर तक नहीं था, घर पे रखा हुआ था, लेकिन जब नामकरण के टाइम पे मैंने मंगाया था घर से, ये मम्मी लेके आई थी, तो तब से मैंने फिर अपने पास रख लिया, क्योंकि करवा चौथ के टाइम पे या फिर कभी कोई पूजा हो गई, व्रत रख लिया मैंने, तो उस टाइम पे जरूरत होती है ना, तो इसके बिना फिर पूजा अधूरी होती है, तो मैंने ये मंगा लिया और मुझे बहुत पसंद भी है, तो ये भी मैं आज ओढ़ने वाली हूँ। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास इसके मैचिंग की बैंगल्स नहीं मिल रही है, मेरे पास थी भी या नहीं थी मुझे याद भी नहीं आ रहा है, और मिल भी नहीं रही है, ये मैचिंग की बैंगल्स मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, ये पिंक कलर की बैंगल्स हैं, ये थोड़ी बहुत मैच हो रही है उससे, तो मैं यही पहन लूंगी। और इसको देखो, सारा सामान जो मैं लेके आई थी ना मम्मी लोगों के लिए, वो इसने बिखेर बिखेर के फेंक दिया इधर से उधर। तो यहाँ पे मैं सारा सामान तैयार कर लूँगी, जो भी मैं सुहाग का सामान लेके आई थी प्रसाद में देने के लिए, और उसके अलावा पूजा की तैयारी भी करूँगी, क्योंकि स्वास्तिक तो सो नहीं रहा था और मुझे लेट हो जाता शाम की कथा करने के लिए, तो शाम को जब डूबते सूरज को जल चढ़ाते हैं उसकी भी मुझे तैयारी करनी थी, कथा भी पढ़नी थी, तो कथा पढ़ने के लिए मुझे पड़ोस में जाना था, लेकिन स्वास्तिक ने सारा प्लान ख़राब कर दिया, वो ठीक उसी टाइम पर सो गया, और फिर मैं उसको उठा के लेके भी नहीं जा सकती थी। आजकल वो थोड़ा सा क्रैंकी भी हो रहा है, वो नीचे रुकता भी नहीं है, और थोड़ा सा इरिटेट भी है, पता नहीं क्यों, आई थिंक उसके दांत आने वाले हैं शायद इस वजह से। स्टार्टिंग के 1-2 साल मैंने करवा चौथ घर पे सेलिब्रेट किया था, और वहाँ पे हम सब लोग, मतलब मोहल्ले में जितने भी मतलब लेडीज़ जो हैं व्रत रखती थी, वो सारे एक ही जगह पे इकट्ठा होके कथा सुनती थी, बहुत अच्छा लगता था, सब लोग आरती वगैरह करते थे और एक साथ जल चढ़ाते थे सूरज को, तो वहाँ पे मतलब जैसे जैसे मैंने देखा था मैं उसी तरीके से घर पे करती हूँ, और सब जगह अपने अपने रिचुअल्स होते हैं, तो मैंने जैसे स्टार्टिंग से देखा है जैसे किया है वैसे ही मैं फॉलो करती हूँ। तो मीनवाइल मैं यहाँ पे हेयर स्ट्रेटिंग कर रही थी, लेकिन स्वास्तिक ने मुझे बिल्कुल भी नहीं करने दिया, 5 मिनट किया होगा मुश्किल से, अच्छे से नहीं हो पाया, लेकिन वो आ रहा था वहाँ पे उसको पकड़ने के लिए, तो मैं बंद करके उसको रख दिया, फिर कहीं उसको लग जाता ना। तो अभी करीबन 4:30 या 5:45 बज रहे हैं, तो स्वास्तिक बड़ी मुश्किल से सोया है। मीनवाइल मैं डिनर की भी तैयारी करूँगी, तो गोभी मैं रख दूँगी गर्म पानी में नमक डाल के, और उसके बाद मैं कथा पढ़ लूँगी, और दीप मैंने जला दिया है, और सारा सामान मैंने यहाँ पे रख दिया है पूजा के लिए। तो शाम की पूजा तो हो गई है, जो कथा पढ़ने के बाद सूरज को जल चढ़ाते हैं वो मैंने कर लिया था, इसके बाद फिर रात की पूजा की तैयारी होगी, और जब तक चाँद नहीं आता है ये जो मैंने दिया जलाया हुआ है ये जला के रखना पड़ता है, हमारे वहाँ इसी तरीके से बताया था मम्मी लोगों ने, तो ये दिया जो है शाम तक जलते रहना है, और इसी दिए से रात को चाँद की पूजा होगी। साढ़े पाँच बजने वाला है, कथा मैंने पढ़ ली थी पहले करीबन 4:30-5:45 बजे, और अब मैं खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। रायता तो मैंने बना दिया है खीरे का, जैसे कि हम लोग हमेशा व्रत रखते हैं, तो व्रत में
खीरे का ही रायता बनाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, हस्बैंड को भी वही पसंद है, तो उनकी पसंद का मैंने बनाया है रायता। और यहाँ पे ऑयल गर्म हो गया है, फटाफट से खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। नोनू जी अभी 10-15 मिनट पहले ही सो के उठा है, तो मैंने कथा वथा पढ़ ली, आरती कर ली, उसके बाद तब जाके ये उठा है, तो एकदम ठीक टाइमिंग रही आज इसकी। कथा पढ़ने के लिए मुझे पड़ोस में जाना था, भाभी लोगों के घर पे, आंटी लोग के घर पे, वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने व्रत रखा हुआ, सब लोग मिलके कथा पढ़ने वाले थे, लेकिन ये सोया हुआ था, फिर वही होता ना, उठता फिर इसके साथ में टाइम लग जाता, तो फिर मैंने घर पे सब कर लिया, क्योंकि मुझे पता था ये उठेगा तो फिर ये टाइम नहीं देगा किसी चीज का, तो इसीलिए मैंने सोचा मैं घर पे ही कर लेती हूँ। इसके बाद आज की रेसिपी पे आते हैं। तो आज मैं आलू गोभी की सब्जी बना रही हूँ, और ये सीजन की हमारी पहली फूल गोभी है। फूल गोभी बहुत टेस्टी लगती है, और विंटर सीजन में तो यही बना करेगी अक्सर सबके घरों में, और सबको पसंद भी आती है। तो ये सब्ज़ी जो है घर में कोई गेस्ट आते हैं ना, तो मैं ज़रूर बनाती हूँ, और व्रत त्यौहार हो और सीज़न टाइम चल रहा हो तो ज़रूर बनती है। तो यहाँ पे आलू गोभी को मैंने मीडियम साइज़ में कट किया था, और सबसे पहले मैं इनको फ्राई करूँगी करीबन 8 से 10 मिनट तक। आप देख सकते हैं एकदम लो मीडियम फ्लेम पर मैंने इनको फ्राई किया था, और इसमें बाहर से हल्की सी ब्राउन कलर की कोटिंग आ गई है, तो इसको मैं निकाल लूँगी, और इसके बाद इसमें तड़का लगा के इसका मसाला तैयार करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डालना पड़ता है, लेकिन टेस्टी बहुत बनती है, और कभी कभी ओकेजनली बनाने के अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे 2 से 3 टेबलस्पून सरसों का ऑयल लिया था मैंने, हींग जीरा इसमें मैंने डाल दिया है तड़के में, और सबसे पहले मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। तो सबसे पहले मैंने करीबन 1 से 2 टीस्पून धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, करीबन 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। मैं इसमें लहसुन प्याज का यूज़ नहीं कर रही हूँ, इसके बिना भी ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। तो मसालों को मैंने 5 से 10 सेकेंड के लिए रोस्ट कर लिया था, इसके बाद मैंने इसमें आलू और गोभी जो फ्राई किए थे वो ऐड कर दूंगी। ऊपर से सॉल्ट ऐड कर देंगे, और सॉल्ट ऐड करने से ये सब्ज़ियाँ जो हाफ कुक है ना वो जल्दी पक जाएंगी। तो मैं थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड कर रही हूँ, ताकि मसाले जो मैंने इसमें ऐड किए ना वो जले ना, इससे सब्ज़ी का टेस्ट ख़राब हो सकता है, इसलिए मैं थोड़ा सा ही पानी ऐड कर रही हूँ। वैसे तो ये सब्ज़ी सूखी अच्छी लगती है, तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मैं इसको पकाऊंगी, और ढक दिया है मैंने इसको, और नमक की वजह से इसमें मॉइस्चर बनता है तो सब्ज़ी जल्दी कुक हो जाती है। मैंने इसमें टमाटर पहले ही यूज़ नहीं किया है, आप चाहें तो इसमें टमाटर पहले डाल के पका सकते हैं, मैं उस तरीके से भी बनाती हूँ, लेकिन इस तरीके से क्या होता है कि जो आलू और गोभी जो कच्चापन इनमें रह जाता है ना वो जल्दी पक जाता है नमक डालने से। और करीबन 8 से 10 मिनट मैंने इसे पकाया था, इस बीच आलू और गोभी जो थोड़ा बहुत इनमें कच्चापन रह गया था वो अच्छे से पक गया है। इसके बाद मैं इसमें एक बड़े साइज़ का टमाटर, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करूँगी, तो इसको भी मैं 1 मिनट ढक के पकाऊँगी ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए, और इसके बाद मैं इसको पूरी सब्ज़ी में मिक्स कर दूँगी। तो बस हमारी ये सब्ज़ी अच्छे से तैयार हो जाएगी। करीबन 1-2 मिनट के लिए मैं इसे और अच्छे से मिक्स करके पका लूँगी, ताकि सारे मसालों का फ्लेवर एक दूसरे में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। और बस यहाँ पे सब्ज़ी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, सबसे लास्ट में इसमें कसूरी मेथी ऐड कर देंगे, और करीबन 1/2 टीस्पून इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। तो गरम मसाले के बिना ये सब्ज़ी अधूरी रहती है, इसमें आप ज़रूर ऐड करना। तो बस ये सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है, अगर आपके पास हरा धनिया है तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैं एक दूसरी सब्ज़ी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं आज शाही पनीर बना रही हूँ, और बिना लहसुन प्याज के। तो यहाँ पे करीबन 1 टेबल स्पून मैंने सरसों का तेल ले लिया है, इसमें मैंने जीरा डाला है, 1 हरी मिर्च डाल दी है, और 2 बड़े साइज़ के टमाटर रफली चॉप करके इसमें ऐड कर दिए हैं। और तो टमाटर के साथ मैं यहाँ पे करीबन 8 से 10 काजू भी ऐड कर रही हूँ, इससे ग्रेवी की कंसिस्टेंसी बहुत स्मूथ आती है और थोड़ी सी थिक भी बनती है, क्योंकि ये बिना लहसुन प्याज के बन रही है, तो काजू इसमें ग्रेवी को थिक करने का काम करेंगे। और यहाँ पे टमाटर 3 से 4 मिनट तक मैंने अच्छे से सॉफ्ट करके पका लिए हैं, इनका छिलका भी उतरना स्टार्ट हो गया है, तो इनको ठंडा करके मैं इनका बारीक सा पेस्ट बना के तैयार कर लूँगी। तो इसके बाद इसकी बढ़िया सी ग्रेवी बनाते हैं। तो सेम कढ़ाई में मैंने ऑयल ले लिया है, और ऑयल जैसे ही गर्म होता है सबसे पहले मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। तो बेसिक मसाले इसमें जाएंगे, सबसे पहले धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, और करीबन 1 से 1.5 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मैंने इसमें ऐड किया है, और आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ही ऐड करना, उससे बहुत अच्छा कलर आएगा ग्रेवी में। इसके बाद जो मैंने टमाटर और काजू का पेस्ट बना के तैयार किया था वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी, लेकिन इसको मैंने पहले छाना है। छानने से क्या होता है, ग्रेवी की कंसिस्टेंसी बहुत स्मूथ आती है और ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है, क्योंकि छोटे छोटे चंक्स ना उसमें रह जाते हैं, तो वो सब ग्रेवी में नहीं आते हैं ना, तो शाही पनीर की ग्रेवी बहुत अच्छी लगती है और बहुत स्मूथ बनती है।
तो बस सबसे लास्ट में मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगी। पानी भी मैंने साथ ही ऐड कर दिया है और इसे करीबन 8 से 10 मिनट तक ढक के पकाना है। इसमें से ऑयल एकदम रिलीज़ हो जाएगा और इसमें ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो बस इसमें ग्रेवी के लिए मैं और पानी ऐड कर दूंगी, जितना आपको थिक या थिन बनाना है, और साथ में मैं पनीर क्यूब्स भी ऐड कर दूंगी। तो पनीर क्यूब्स को भी 5-7 मिनट के लिए मैं इसमें ऐड करके बॉईल कर लूँगी, ताकि वो भी अपना एक टेक्स्चर सेट कर लेंगे। और ग्रेवी को ठीक होने तक मैं इसे ढक के पका लूँगी। और आप देख सकते हैं ग्रेवी ने अपनी कंसिस्टेंसी पकड़ ली है और एकदम सेट हो गई है, और पनीर भी अच्छे से सेट हो चुके हैं। तो बस यहाँ पे मैं इसको इससे ज़्यादा थिक नहीं करूँगी। तो सबसे लास्ट में करीबन 1/2 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर में यूज़ कर रही हूँ, और इसके अलावा इसमें कसूरी मेथी जाएगा। यहाँ पे फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। मैं इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर दूँगी ग्रेवी के साथ में, और सबसे लास्ट में करीबन 1 से 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे क्रीम यूज़ किया है। तो क्रीम इसमें मिक्स कर देंगे फ्लेम ऑफ करने के बाद, क्योंकि फ्लेम ऑन करके हम क्रीम ऐड करते हैं ना, कई बार ऐसा होता है ग्रेवी अच्छी नहीं दिखती है और वो अपना टेक्सचर चेंज कर लेती है, फटी फटी सी दिखने लगती है क्रीम की वजह से। तो इसीलिए क्रीम मिक्स कर दिया है फ्लेम ऑन करके। 1-2 मिनट में इसे और अच्छे से पका लूँगी बॉयल आने तक। तो बस यहाँ पर ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा आ गया है और ये सिंपल सा शाही पनीर बन के तैयार हो गया है। 6:30 बज गए हैं और फाइनली अब जाके सारा खाना बन गया है। आटा मैंने गूंद दिया है, मैं बनाऊंगी पूरियां, तो पूरियां मैं बाद में फ्राई करूंगी। और यहाँ पे दिया जला हुआ है। अब मैं थोड़ा सा रेडी होती हूँ, बहुत ज्यादा टायर्डनेस हो गई। और स्वास्तिक जो है इसको मैंने राइम्स लगा दी, यहाँ पे बिठा दिया था कि मुझे काम करने दे, क्योंकि काम ही नहीं करने दे रहा था। 5 मिनट में इसको बाहर घुमा के भी आई, और उसके बाद फिर मैंने इसको बिठा दिया और फटाफट से मैंने शाही पनीर बनाया। तो सारे काम तो हो चुके हैं, तो अब मैं थोड़ा सा रेडी होती हूँ और आपसे रेडी होने के बाद में मिलते हैं जब चंदा मामा आएंगे। और अभी शाम का टाइम हो गया है, तो थोड़ी सी यहाँ पे ठंड भी स्टार्ट हो गई है। तो शाम के टाइम पे मैं हल्के से इसको गर्म कपड़े पहना देती हूँ स्वास्तिक को। तो यहाँ पे ये जो हाफ स्वेटर है जो लास्ट ईयर लिया था डिलीवरी से पहले, ये बहुत यूज़फुल है इस टाइम के सीज़न के लिए, मतलब अभी के टाइम के लिए एकदम परफेक्ट है ये, क्योंकि सुबह शाम थोड़ी सी ठंड है और दोपहर में तो गर्मी होती ही है। तो इसीलिए सुबह शाम इसको हल्की सी वुलन वाले कपड़े में इसको पहना देती हूँ। तो अभी तैयार होने से पहले मैं वापस किचन में आ गई हूँ। मैंने सोचा तैयार होने के बाद मैं पूरी नहीं फ्राई कर पाऊंगी, मुझसे हैवी कपड़ों में फिर काम नहीं हो पाता है, मुझे हैबिट नहीं है इस वजह से। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे पूरियाँ बेल ली हैं और मैं सबसे पहले पूरियाँ फ्राई करूंगी और उसके बाद ही मैं तैयार होंगी, क्योंकि फिर उसके बाद ना मुझसे काम नहीं हो पाएगा। और फिर चंदा जब आ जाएंगे उसके बाद पूजा की तैयारी करनी होगी, हस्बैंड भी थोड़ी देर में आने ही वाले हैं। तो मैंने सोचा जब हस्बैंड आ जाएंगे उसके बाद ही मैं आराम से रेडी हो पाऊंगी, क्योंकि स्वास्तिक मुझे बिल्कुल भी तैयार नहीं होने देता है, और अगर मैं रेडी होती भी तो वो वहाँ पे कुछ ना कुछ सामान आके बिगाड़ने लगता। तो इससे अच्छा मैंने यहाँ पे पूरियाँ फ्राई कर ली हैं पहले। नमस्कार, आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। आज देखिए हमारी बेटी आप सबको करवा चौथ की बधाइयां देगी। देखिए, हेलो बेटे, करवा चौथ की सबको बधाइयां। बोलो, आप भी कुछ बोलो। मैं रेडी हो गई हूँ, मिस्टर राव भी रेडी हो गए हैं, आपने करवा चौथ की बधाई भेजना, सब रेडी हो गए हैं। लेकिन चंदा जी अभी तक नहीं आए हैं, अब बस इंतजार है चांद आने का, उसके बाद हम पूजा करेंगे और फाइनली व्रत खुलेगा। और मेरी मेहंदी और भी ज्यादा डार्क हो गई है, तो मैं अपना एक बार गेटअप दिखा देती हूँ आपको, मैं किस तरीके से रेडी हुई हूँ। आज मैं पूरी कुमाऊनी ब्राइड बन के तैयार हुई हूँ। अपना कुमाऊनी दुपट्टे के बिना हमारी कुमाऊनी ब्राइड जो होती है ना, अधूरी होती है, और ये हमारे कुमाऊं की शान होती है। और वो देखो चंदा आ गए हैं, वो देखो कहाँ पहुंच गया। नो, चलना नहीं हमारे साथ, इसको हम अंदर तो छोड़ नहीं सकते, इसे भी साथ में लेके जाना पड़ेगा हमने। और वो इधर से उधर भाग रहा है, पापा सामान पहुंचाने के लिए गए हैं ऊपर। एक्चुअली चंदा यहाँ से ना दिख नहीं रहे हैं, सामने में पेड़ आ रहे हैं काफी सारे। वैसे तो पिछले साल तक तो हम यहीं से करते थे, लेकिन इस बार पेड़ जो है ना घने हो गए और दिख नहीं रहे हैं चंदा, मतलब आधे अधूरे से दिख रहे हैं। तो ऊपर बालकनी में, ऊपर वाली बालकनी जो है वहां पे जाके हम लोग पूजा करेंगे। तो सारा सामान भी ले जाना पड़ेगा, ट्राइपॉड भी ले जाना पड़ेगा, और पूजा का मतलब पूजा की आरती, थाली वगैरह सब ले जाना पड़ेगा।
तो पहले वो सामान पहुंचा रहे हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे पूजा करने के लिए। और टाइम मैं बता देती हूँ, 8:55 हो रहे हैं, तो अब जाके यहाँ पे चंदा आए हैं। आपके वहाँ कितने बजे आए मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ऊपर बालकनी से भी नहीं दिख रहे चंदा? दिख रहे, एक बार तुम देखना, थोड़ा सा पेड़ तो आ ही रहा है। तो ऐसा करते हैं, छत में जाना पड़ेगा हमने। तुम पकड़ लो, आप ये पकड़ लो। तो सारा सामान लेके हम ऊपर बालकनी में आ गए हैं पूजा करने के लिए। तो लास्ट ईयर के आपने दोनों व्लॉग्स देखे होंगे, दो करवा चौथ मैंने यहाँ पे बनाए हैं लास्ट ईयर, और दोनों बार मैंने नीचे ही पूजा की थी क्योंकि वहाँ से एकदम साफ दिखते थे चांद। लेकिन इस बार वहाँ पे पेड़ थोड़े से बड़े हो गए ना, इस वजह से चंदा जो है दिख तो रहे थे लेकिन उतने क्लियर नहीं थे। तो हमने सोचा ऊपर ही आगे पूजा कर लेते हैं। और स्वास्तिक भी हमारे साथ आया है क्योंकि उसको तो हम छोड़ नहीं सकते थे अकेले, तो वो भी हमारे साथ आया है और बहुत क्यूरियस होकर देख रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, और बहुत इंजॉय कर रहा था। तो रो तो नहीं रहा था, बस वो देख रहा था। तो हमारी पूजा भी बहुत अच्छे से संपन्न हो गई है और हमने व्रत खोल लिया है। पूजा करने के बाद हम लोग नीचे आए, सबसे पहले मैंने ड्रेस चेंज की, उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया। और स्वास्तिक सोया नहीं था उस टाइम पे, उसके साथ बैठ के ही हमने खाना खाया। तो यहाँ पे आज की मैं डिनर थाली आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो शाही पनीर है हमारा, पहाड़ी रायता है, आलू गोभी की टेस्टी सी सब्ज़ी, साथ में पूरियाँ। और आज मैं मीठे में कुछ भी नहीं बना पाई, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर मोती चूर के लड्डू मंगाए थे, वो रखे हैं मेरे फेवरेट। तो ये सिंपल सी डिनर थाली हमारी थी। और इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थोड़ा सा लेट आया लेकिन होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों का करवा चौथ कैसा गया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी के साथ मैं लास्ट ईयर की कुछ क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये 2020 की करवा चौथ की पिक्चर है और इसके अलावा 2021 की, और साथ में अभी की कुछ करवा चौथ की फ़ोटोज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। होपफुली आप सब इसको इन्जॉय करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर। Thank you.